नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, दिनांक 6 मार्च से 12 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा, दिनांक 13 मार्च को विशाल भंडारा एवं ब्रह्म भोज का आयोजन, स्थान भतु फार्मा शुक्लागंज उन्नाव, कार्यक्रम मुख्य आयोजक पंडित रमाकांत तिवारी, पत्नी हंसमुख तिवारी, पुत्र प्रेम किशोर तिवारी, पत्नी गुड़िया तिवारी, पुत्री अनीता मिश्रा, दामाद राजेश मिश्रा, नाती ओम तिवारी, पत्नी सिप्रा तिवारी, अमन तिवारी, गगन तिवारी एवं समस्त तिवारी परिवार ग्राम पोस्ट भदुई सिकंदरपुर। पता है कि ये मुर्दा है कि नाव है, और इतना प्रेम में पागल हो गए कि दरवाजे बंद थे रात्रि 12 बजे, तो मालूम है एक देखा कि दीवार पे सर्प लटक रहा था, उनको रस्सी दिखाई पड़ी, सर्प नहीं दिखा, इतने प्रेम में अंधे हो गए, रस्सी दिखाई पड़ी और उसी को पकड़ के चढ़ गए ऊपर और पहुंच गए रत्नावली के पास। रत्नावली ने देखा रात्रि 12 बजे, वाह धन्य कैसे आए, बोले याद आई तो आ गए। रत्नावली ने क्या कहा, धन्य है, बोले अस्थि चर्म की देह में, क्या कहा, बोले अस्थि चर्म की देह में अरता में ऐसी प्रीति होती, प्रीत श्री राम तो न भूत भोगी। जितना आपने त्याग, जितने प्रीति आपने मेरे से कर ली, इस अस्थि मांस के शरीर से इतना प्रेम किया, इतना त्याग किया, अगर शायद इसका कुछ अंश ही अगर गोविंद से, ठाकुर से, राम से कोई सुना सकता है, ये गति किसी में नहीं है, सुनने सुनाने की केवल गति तो हमारे गोविंद में ही है, उससे बढ़ के कोई सुंदर वक्ता नहीं है और उससे अच्छा कोई सुनने वाला श्रोता नहीं है। ध्यान रखना, ये तो केवल उसकी एक कृपा मात्र है जो उसने हमें आपको सुनने सुनाने का निमित्त बना दिया है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, क्या किया है, निमित्त बना दिया है। हाँ यही तो कथा है, महाराज जी कहते हैं कि द्वंद्वकारी जीवन में कभी कथा के पास नहीं गया, जीवन भर गलत काम किए, ऐसे ब्राह्मण थे जो द्वितीय युग भास्करा सर्व वेद विशारदा सभी वेदों के जानने वाले, दूसरे सूर्य के समान प्रकाशमान थे, इधर रख लो। लेकिन महाराज जी कहते हैं उनका बेटा द्वंद्वकारी गलत काम करते करते, गलत संगति में जा करके, मालूम है सारा धन जितना था वो सब चला गया, अंत तो गत्वा वैश्याम की संगति कर ली, गलत संगति में चला गया, और जब गलत संगति में गया तो महाराज जी कहते हैं कि गलत तरीके से ही मारा गया, अकाल मौत होना प्राप्त है। धन्य है, एक बेटा के लिए क्या नहीं किया, कितने देवी देवता पूजे होंगे, कितनी